मामी भांजी ने की शादी। बिहार के गोपालगंज का मामला, दोनों का वीडियो हुआ वायरल। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, जो इसमें पड़ता है उसे ना दिन दिखता है ना रात, ना धर्म ना जात पात, यहां तक कि वो सही और गलत में भी फर्क नहीं कर पाते। उन्हें बस दिखता है तो अपने यार का चेहरा, और इसको हासिल करने के लिए वो दुनिया की परवाह नहीं करते। इसी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिहार में मामी और भांजी ने मंदिर में शादी कर ली। अब इस शादी के चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना। समाज में मामी और भांजी का ये पहला मामला जो है, ये खबर थोड़ी अटपटी जरूर है, लेकिन यकीन मानिए 100% सच्ची है। सुनिए क्या कहना है समलैंगिक विवाह करने वाली मामी और भांजी का। कहाँ पहुँचे हैं? सर, सब मंदिर में है, यहाँ आकर शादी कर लिए दोनों। हम के मैं भगनी है, मैं उसके मामी है। शादी के लिए हम लोग जीने मरने का कसम खाए हैं। हम एक दूसरे को साथ जन्मे तक साथ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं ये मुझे छोड़ेंगे, नहीं हम इसे छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग कसम खाए हैं कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं ना छोड़िएगा, नहीं जिंदगी भर, जिंदगी भर ये साथ निभाएंगे। लड़के और लड़की की शादी तो सुनी थी, लड़की और लड़की की शादी पहली बार। लड़का लड़का तो बहुत देखे होंगे, लड़का लड़की का शादी बहुत देखे हैं, लेकिन मामी भगनी का शादी ये सब पहला बार देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि हम लोग मर्जी से और अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं, इसमें किसी का दबाव वबाव नहीं है। हम लोग शादी कर रहे हैं, एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे ये सुंदर है, कहीं चले जाएंगे मुझे छोड़ गए, कहीं दूसरे से शादी कर लेंगे तो हम कैसे नहीं छोड़े, जिंदगी नहीं कितना सुंदर बनता था। शादी की है, उनके दिल में रहना है, घर से मतलब नहीं है, ये जहाँ रखेंगे मैं वहीं रह लूंगी। क्या नाम आपका? सुमन नाम है मेरा, इनका नाम? और इनका नाम प्यार से इनका नाम हम सुगम गा बोलते हैं इनको प्यार से। और मेरा नाम शोभा। इस वीडियो को देखकर हर किसी को हैरानी हो रही है। आपको बता दें कि ये मामला बिहार के गोपालगंज जिले के कुचाई कोट के बैलवा गांव का है। शोभा कुमारी ने अपनी ही भांजी सुमन कुमारी के साथ आज मंदिर में शादी कर ली। मामी शोभा कुमारी ने बताया कि उनका अपनी ही भांजी के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इसके बाद उन लोगों ने आज एक दूसरे के साथ शादी कर ली, जिसके बाद मामी और भांजी ने एक दूसरे को माला पहनाई और साथ फेरे लेने के बाद एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा डाली। ये शादी समारोह कुचायकोट के सासामूसा रेलवे स्टेशन के पास दुर्गा मंदिर में संपन्न हुई, जिसके बाद तमाम मौजूद सोशल मीडिया भी इनसे कई सवाल करने लगी। उन्होंने पूछा कि क्या आपके परिजनों ने इसका विरोध नहीं किया, तो भांजी सुमन ने बताया कि मामी शोभा बहुत सुंदर हैं, मुझे डर था कि इनकी शादी कहीं और हो जाएगी तो ये मुझे छोड़कर चली जाएंगी, बस इसी डर से हम दोनों ने सब कुछ छोड़कर मंदिर में शादी रचा ली। तो वहीं मामी शोभा ने बताया कि सासामूसा मंदिर में हमने शादी की है, शादी के बाद हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, हम एक दूसरे का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल मामी भांजी के शादी करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, और लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।